जैसा कि आपने देखा कि हमारी युवा पीढ़ी कैसे वाइटनर का इस्तेमाल करके अपने अपना भविष्य तो बर्बाद कर ही रही है, साथ में देश का भविष्य बर्बाद कर रही है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट से मांग करता हूं, आग्रह करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे लाखों युवा पीढ़ी रोज प्रतिदिन हर शहर से, हर तबके से, हर गांव में वाइटनर का इस्तेमाल करके, क्योंकि वाइटनर सिर्फ 20 और 40 रुपए मिल जाती है और ये छोटे से सस्ते नशे का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को बर्बाद कर रही है और इसका इफ़ेक्ट भी बहुत गहरा होता है, इसका नशा भी बहुत गहरा होता है और आम तौर पे ये हर दुकान में मिल जाती है वाइटनर। और ऐसे ही अगर वाइटनर मिलता रहा आम दुकानों में, हर दुकानों में इजीली आसानी से अगर उपलब्ध होता रहा, हर आदमी की पहुंच में होता रहा, तो हमारी युवा पीढ़ी ऐसे ही इसको पी के बर्बाद हो जाएगी और अपना भविष्य को बर्बाद करेगी ही, साथ में इस देश का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि अगर युवा पीढ़ी का भविष्य बर्बाद है तो उस देश का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, उस देश का भविष्य कोई नहीं आबाद कर सकता है। इसलिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट से ये मांग करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी कोई किसी भी दुकान पे वाइटनर बेचा जाता है तो इसके लिए कुछ नियम कानून बनाए जाएँ, ताकि ये किसको देना है और किस आधार पर देना है इसकी कुछ नियम कानून बनाए जाएँ, ताकि ये आसानी से हर बच्चे के उम्र के पास उपलब्ध ना हो। वरना 16 से 19, 22 साल तक की युवा पीढ़ी जो है इसका खूब इस्तेमाल कर रही है, गलत इस्तेमाल करके, नशे के रूप में इस्तेमाल करके अपना भविष्य तो बर्बाद कर ही रही है, साथ में देश का भविष्य बर्बाद कर रही है। तो प्लीज़ आइए इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस नशे की लत को रोकिए, ताकि हमारे देश की युवा पीढ़ी का भविष्य बर्बाद न हो और हमारे देश का भविष्य बर्बाद न हो। धन्यवाद।